लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एक छोटा सा शहर, जहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक विशाल स्तंभ है। यह शहर नरकटियागंज से 14 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। बिहार के प्रमुख टूरिज्म स्थलों में से एक है यह शहर। आज के इस सफरनामे में बिहार के इस शहर के हिस्ट्री को देखते हैं। सफरनामे के एपिसोड 4 में स्वागत है आपका। अभी हम लोग लौरिया नंदनगढ़ जा रहे हैं। जब हम लोग ने चनपटिया वाला रास्ता छोड़कर लौरिया वाला रास्ता पकड़ा तो वहाँ पे एक नदी पड़ती है, उसका नाम है उत्तरवाहिनी नदी, जिसकी खास बात यह है कि ये उत्तर की तरफ बहती है। आप देख सकते हैं यह नदी, इसका धारा जो है उत्तर की तरफ है, इसकी गहराई उतनी नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे इसमें नहा रहे हैं। और नदियों का जब धारा हम लोग देखते हैं तो वे दक्षिण की तरफ उसकी धारा होती है, लेकिन उत्तर की तरफ किसी भी नदी का धारा आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये एक नदी एक्सेप्शनल है। अब ये लौरिया का जो रास्ता है, लौरिया वाला जो रास्ता है, पहले बहुत पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा स्कूल खुल चुका है और यहाँ के जो लोग हैं वे सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। थोड़ी सी ट्रैफिक यहाँ बढ़ गई है क्योंकि लौरिया मिल जो चालू हो गया है, जिसकी वजह से जितने गाना है वे मिल में जा रहे हैं। ये जो सामने बाउंड्री देख रहे हैं ये लौरिया चीनी मिल का कैंपस है। आप देख रहे हैं वहाँ चिमनी से धुआं निकल रहा है, धुआं धुआं करके आसमान को धुआं धुआं कर रहा है। ये देखिए लौरिया चीनी मिल चालू हो चुका है। इसका मेन गेट यहाँ पीछे गया और एक और मेन गेट है जो आगे है। सामने जो पूरा बड़ा फील्ड है ये लौरिया चीनी मिल का ही है और उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैविक खाद बन रहा है। लौरिया से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हम लोग अब फाइनली नंदनगढ़ में आ चुके हैं। इसका एंट्री कुछ ऐसे है, आप देख सकते हैं यहाँ जो सामने है ये पावर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है पूरे लौरिया के अंदर और उसके बगल में एक किसान भवन है। आप देख रहे हैं हम लोग लौरिया नंदनगढ़ जिसको अशोका ने बनाया था वहाँ पे आ चुके हैं। ये पीछे इतना बड़ा किला है उस पे चलते हैं और वहाँ पे घूम करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और वहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी उसको हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छा व्यवस्था है, सफाई का ध्यान रखा गया है और समय समय पे लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ पे जो लोग काम करते हुए घास वगैरह काट देते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सफाई काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे में एक बहुत बड़ा फील्ड भी है। अगर छोटे छोटे बच्चे पिकनिक पे आना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट जगह है। तो चलिए इस नज़ारे को हम ड्रोन कैमरा से देखते हैं और ड्रोन कैमरा का मज़ा लीजिए आप।
गाइस काफी मस्त जगह है और ये देखने वाला जगह है। चलिए इसके ऊपर हम चढ़ते हैं, वहाँ ऊपर चलेंगे। यहाँ जो ईंटें लगी हुई है ये काफी पुरानी ईंटें है। ये जो किला है ये 5 स्टेप में बना है। अभी हम लोग 2 स्टेप चढ़ चुके हैं, 3 स्टेप और बाकी है। और ऊपर में जा करके इसके ऊपर मिट्टी भरी गई है, वे भी मिट्टी आसपास के ही इलाकों से लाई गई है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर के नज़ारों को ड्रोन कैमरा से एक बार देखते हैं। यही है गेट और इसी रास्ते से हम चलेंगे ऊपर और ऊपर का मजा लेंगे। यह है स्तूप से नीचे उतरने का रास्ता और यही रास्ता है ऊपर जाने का, लेकिन हम लोगों ने दूसरे रास्ते से चढ़ा था। अब यहाँ इसकी ये पहले टीला बहुत ऊंचा था जिसकी वजह से ये रास्ते बनाए गए थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा धस गया है, इसका जर्जर स्थिति हो गया जिसकी वजह से ये किला थोड़ा नीचा हो गया और जो जहां से चाह रहा है वहां से चढ़ जा रहा है। अभी हम लोग इस किले के सबसे टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। इसमें मिट्टी की भराई हुई है तो यहां पे हमको ध्यान रखना होगा, चलते हुए ध्यान रखना होगा कि रास्ता कहीं बिछड़े नहीं। थोड़ी सी रिक्स है और ये रिक्स हम ले रहे हैं और आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये जर्जर पूरा जर्जर हालात में है, घास पूरे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ ऊपर थोड़ी सी देखरेख में थोड़ी सी कमी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इस ब्लॉक को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ ये टॉप फ्लोर है, सबसे ऊपरी सिरे पे हम लोग हैं और यहाँ से लौरिया मिल आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ का जो नेचुरल माहौल है यानी पूरी प्रकृति को एंजॉय करने का मौका और मज़ा आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पर डे यहाँ 200 से 300 लोग आते हैं। तो यहाँ हमारे कुछ दोस्त लोग हैं। भैया आपको घूम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जगह है। अगर आपको भी टाइम मिले तो आइए यहाँ और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखिए। यहाँ पार्किंग एरिया से थोड़ा सा हटकर बैठने का भी व्यवस्था है। अगर आप यहाँ चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं, और कुछ लाए हैं तो यहाँ बैठकर आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ खाने वाला चीज़ खरीद रहे हैं। यहाँ पे यहीं ज़्यादा कुछ है नहीं, यहीं नमकीन वगैरह है, उसको ले रहे हैं, यहाँ पे हम खा ले रहे हैं। बहुत देर घूमने के बाद भूख वगैरह लग गया है, तो यहाँ पे एक चाचा हमारे साथ है तो इनसे हम कुछ मिठाई उठाई खरीदेंगे। चाचा कितना रुपया है आपको यहाँ पे कमाई हो जाती है? भले भले ना, मतलब रोजीना, मतलब अभी तक कमाए हैं कि नहीं? अच्छा, अभी 70-75 रुपया बिक्री हुआ है, अभी पूरा दिन बाकी है, लगभग अभी 3 से 4 घंटा यहाँ पे ये बिक्री करेंगे। तो देखिए अगर आप कभी यहाँ आए तो ऐसे लोगों से ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये अमीर होने के लिए नहीं कमाते हैं, ये अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कमाते हैं।
यह है लौरिया का अशोक स्तंभ। यहाँ पे बहुत तरह की भाषाएं लिखी हुई है, अगर कोई पढ़ता है तो उसको ऐसा कहा जाता है कि उसको इनाम भी दिया जाता है, लेकिन आज तक इस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया। चलिए उस भाषा को हम आपको दिखाते हैं, कैमरे में कैद करते हैं, अगर हो सके तो आप यहाँ भी आइए और यहाँ आनंद लीजिए। फाइनली अब हम लोगों का टूर खत्म हो चुका है, अब हम घर के तरफ चलेंगे। तो चलिए बाय बाय नंदनगढ़, बाय बाय बुद्ध स्तूप। उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सफरनामे के एपिसोड 4 आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।